बिग बॉस के घर में जहां कंटेस्टेंट के नए दोस्त बनते हैं, तो वहीं पुराने दोस्तों की दोस्ती में दरार भी आ जाती है। कहने को तो रश्मि और देवोलिना की दोस्ती सीजन 13 में दिखाई दी थी। दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक साथ एलिमिनेट हुई थी और बाद में एंट्री भी एक साथ ही की थी। अब सीजन 15 में भी दोनों बतौर वाइल्ड कार्ड आई हैं। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन अब दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई है। वीकेंड का वार के एपिसोड के बाद अब देवोलिना ने रश्मि के बारे में कुछ बातें कही हैं। वह प्रतीक सहजपाल से कहती हैं कि उन्होंने रश्मि की वजह से कई दोस्त खो दिए हैं। वह प्रतीक सहजपाल से कहती हुई नजर आई कि मैंने रश्मि से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी, मैं यह सब डिजर्व नहीं करती हूँ। वह आगे बताती हैं कि उन्होंने रश्मि की वजह से कई दोस्त खोए हैं, लेकिन वह हमेशा उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। मैं उसके लिए सबके खिलाफ भी गई और खुले में उसे सपोर्ट किया। वो तीली लगाती रहती है सबको और फिर बेचारी बन के दिखाती है। दरअसल देवोलिना और राजीव की किचन ड्यूटी को लेकर बहस हुई थी। रश्मि भी वहीं बैठी थी। इस दौरान राजीव देवोलिना को उनकी ही आवाज़ निकाल कर चिढ़ाते हैं, जिसके बाद रश्मि तेजी से हंसती हैं। इसके बाद करण रश्मि से पूछते हैं कि राजीव क्या कर रहा है, तो वह हंसते हुए बताती हैं कि जो कुछ हुआ किचन में, राजीव बस उसी का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रश्मि ने घर का माहौल खराब करने का जिम्मेदार देवोलिना को ठहराया था, जिसके बाद देवोलिना ने भी रश्मि को फेक और झूठी करार दिया था। इतना ही नहीं, चेंजिंग रूम में भी देवोलिना ने बताया था कि उनकी और रश्मि की 3 साल की दोस्ती थी। इसके बावजूद आज वह उनके मुंह पर ही झूठ बोल रही हैं।